हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन एनडीए 1 2022 में पूछा जा चुका है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैं दो मेथड बताने वाला हूँ, एक जो नॉर्मल मेथड आपने क्लास 12 में कर रखा है, दूसरा शॉर्टकट ट्रिक। तो चलिए आइए देखते हैं मेथड नंबर 1। तो जो गिवन डिटरमिनेंट है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। ए बी सी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए क्यूब, बी क्यूब एंड सी क्यूब। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि डिटरमिनेंट से अगर किसी चीज को आपको बाहर निकालना है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए जो है यहाँ पे मौजूद है, बी जो है यहाँ सब पे है और सी यहाँ पे सब पे है ना। तो अगर मेरे को ए कॉमन लेना है तो इसी में से मैं ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने बी ले लिया, यहाँ से मैंने सी ले लिया बाहर, ठीक है। तो ए यहाँ से बाहर आ गया ना कॉमन, तो 1 ए ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमने बी ले लिया था बाहर, तो 1 बी बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमने सी लिया था तो ये हो जाएगा 1 सी सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको नॉर्मल मैथड जैसे आप लोग सॉल्व करते हो वैसे इसको सॉल्व कर लेना, डिटरमिनेंट जैसे निकालते हो, ठीक है। तो ए बी सी ये तो आ रखा है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 6 इंटू, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2। तो आंसर क्या आ गया? 12। तो ये तो हो गया नॉर्मल मैथड। अब बताता हूँ मैं शॉर्टकट ट्रिक, तो जरा इसको ऑब्जर्व करो। ए बी सी क्या है आपका? 6 दे रखा है, ये मैथड नंबर 2 है, ठीक है। ए बी सी आपको 6 दे रखा है, तो जरा गौर से देखो, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 नहीं दे रखा है। अब तुम बोलोगे सर ए को ही आपने 1 क्यों लिया, मैं सर ऐसे लिखूंगा। लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, बट आपको सेटिस्फाई इस पे करके देखना पड़ेगा कि आपने जो A1 B2 C3 लिया है वो सही ले रखा है या गलत ले रखा है। चलिए ये चेक भी कर लेते हैं हम लोग। तो हम ये वाला पैटर्न को देखते हैं, ठीक है। ए वन, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 डालो, माइनस बी को यहाँ पे 2 डालो, ठीक है जी। बी का वैल्यू कितना है? 2। माइनस सी का वैल्यू क्या है? 3। फिर सी का वैल्यू कितना है? 3। माइनस ए का वैल्यू कितना है? 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं -1 आया, -1 आया, -2 आया, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2। यस सर, एकदम सेटिस्फाई कर रहा, मतलब ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 आ गया। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 आ गया। अब ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, नॉर्मली जैसे आप डिटरमिनेंट निकाल दो वैसे निकाल लेना, देखना आंसर 12 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।